अजय जी आप तो बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन मुझे आप जरा बताइए आप लोगों को क्यों मौका दे कालका जी वाले। मैं हम जब यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे थे, इंक्रोचमेंट तो ज़बरदस्त है यहाँ पर आप देखिए, और दूसरा ट्रैफिक पार्किंग की बहुत समस्या है। उसके अलावा अगर मैं देखूं रेड़ी पटरी वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको किस लिए वोट दिया जाए? देखिए एमसीडी में पिछले 15 साल से भाजपा है और इस साल भी बहुमत के साथ ही हम सरकार बनाने वाले हैं। उसके कारण है, हमारे काम विज्ञापन पर नहीं है, एडवर्टाइजमेंट मॉडल नहीं है, वो काम मॉडल है। बहुत दिन पहले अभी लैंडफिल साइट पर जाकर अरविंद केजरीवाल जी कूड़ा 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 चिल्ला रहे थे। उन्हें दुनिया को बताना चाहिए कि 9 बड़े अस्पताल में एमसीडी चलाता है, डिस्पेंसरी 123 हम लोग चलाते हैं। उसके बाद 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलने के बाद उन्होंने 4-5 करोड़ के विज्ञापन कर दिए होंगे, उनको पता नहीं शायद 115 महिलाओं के लिए स्पेशल इन हॉस्पिटल्स के अंदर प्रजनन वार्ड एमसीडी चलाता है। काम बोलता है, वो कहते हैं कूड़ा, और आप समझिए जब यहाँ से कूड़ा लोग बाहर फेंकते हैं उसको टिप्पर वैन में एमसीडी का कर्मचारी लेकर के जाता है, वो ढलाव पर पहुँचता है और वहाँ से बड़ी गाड़ियों से ले जा करके लैंडफिल साइट पर छोड़ती है। ये सारा काम भी एमसीडी के अंडर ही आता है। सफाई कर्मचारी हों, स्कूल्स हों, एमसीडी स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस करना हो, इसके अलावा डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स चलाने हों, एमसीडी अपने काम को भली भांति कर रही है। कोरोना के समय में आपने देख लिया होगा जब अरविंद केजरीवाल जी ऑक्सीजन का पैनिक देख करके गायब हो गए थे, इनके मंत्रियों के फ़ोन नहीं लगते थे, लोगों को बेड नहीं अवेलेबल होते थे, यही एमसीडी है जिसके तहत आने वाले अस्पतालों में 3200 बेड पर सब कोरोना के लिए ट्रीटमेंट सीख कर रहे थे। नेता जी मटर छीलते हुए खूब वायरल हुए थे। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर एक जानकारी, आप इंडिविजुअली किसी का कोई फोटो नहीं, मैं कोविड की अगर आप बात करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि कोविड का क्रेडिट लिया जाए, तो मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा मार्मिक सिचुएशन थी। नहीं मुझे लगता है पूरे देश में सभी एक दूसरे को टैग करते रह गए, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो कम से कम उस टॉपिक पे तो रहने ही दिया जाए। अगर 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 आप ऑक्सीजन देने का क्रेडिट लेंगे तो जो लोग मारे गए उनका क्रेडिट भी लेंगे। मुझे लगता है कि वो आपकी इंडिविजुअल इंडिविजुअल अप्रोच, आपकी अप्रोच हो सकती है, मेरी नहीं है। अगर वैक्सीन देने का काम मोदी जी ने किया तो हम उसको क्रेडिट नहीं लेंगे क्या उसका? अगर 80 करोड़ लोग को राशन देने का काम किया तो नहीं लेंगे क्या? ऑक्सीजन प्लांट के नाम पर जब अरविंद केजरीवाल जी भाग गए थे कोविड से, सेवा ही संगठन के नाम पर जब भाजपा घर घर जाकर के अनाज दे रही थी, मतलब हम काम करते रहे, विज्ञापन नहीं करें और क्रेडिट भी नहीं लें, ये तो कैसे चलेगा? नहीं, क्रेडिट आप लेंगे, अभी ईडब्ल्यूएस की चाबी यहीं से दी गई है जी।